नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप, मैं हूं सचिन। मुजफ्फरपुर के कुर्नी विधानसभा में उपचुनाव होने वाला है। हाल में ही दो सीटों पर उपचुनाव हुए थे, मोकामा और गोपालगंज, जहां दोनों पार्टियों ने अपनी अपनी सीट बचाने में कामयाब हुई। तो अब ये देखना है कि महागठबंधन के प्रत्याशी मनोज कुशवाहा, जहाँ से पूर्व में वो विधायक रह चुके हैं, मंत्री भी रह चुके हैं बिहार सरकार में, तो वो अब उनको महागठबंधन से टिकट दिया गया है, तो क्या वो जीत का परचम लहराते हैं। वही बीजेपी से केदार प्रसाद गुप्ता और मुकेश सहनी के पार्टी से नीलाभ कुमार को टिकट दिया गया। एकदम त्रिकोणीय मुकाबला इस बार कुर्नी विधानसभा चुनाव में दिखने वाला है। तो हम बात करेंगे कि क्या सीएम नीतीश कुमार कुर्नी विधानसभा चुनाव उपचुनाव में चुनाव प्रचार करने जाएंगे, क्योंकि मोकामा विधानसभा और गोपालगंज विधानसभा में सीएम नीतीश कुमार चुनाव प्रचार कर नहीं गए थे, क्योंकि वो छठ घाट के निरीक्षण के दौरान उनका नाव जो था वो पिलर से टकराने के बाद उनको चोट आया। डॉक्टर ने सलाह दिया कि उनको आराम करना है, जिस वजह से उन्होंने वहाँ जाने से इनकार कर दिया। तो अब देखना यह है कि क्या सीएम नीतीश कुमार अब कुर्नी विधानसभा चुनाव में चुनाव प्रचार करने जाएंगे। आइए इस खबर को आपको हम बताते हैं विस्तार से। कुर्नी विधानसभा के लिए होने वाले उपचुनाव में नीतीश कुमार 2 या फिर 3 दिसंबर को चुनाव प्रचार के लिए जा सकते हैं। उनके पहले इस माह में आखिर में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की कुर्नी में चुनावी सभा संभावित है। स्टार प्रचारकों की सूची में 1-2 दिन के भीतर चुनाव आयोग के अनुमति के साथ मिलने की उम्मीद है। कुर्नी विधानसभा की सीट पर इस बार महागठबंधन के उम्मीदवार जेडीयू के मनोज कुशवाहा हैं। राजद से यह सीट जेडीयू ने मांगी थी। इस बात का जिक्र जेडीयू दफ्तर में प्रत्याशी के नाम की घोषणा के समय राजद के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने किया था। इसके बाद जेडीयू ने इस सीट के लिए अपने को पूरी तरह से लगाया हुआ है। चुनाव प्रचार के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2 या फिर 3 दिसंबर को कुर्नी विधानसभा क्षेत्र में 2 सभाएं कर सकते हैं। वहीं उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार वह 30 अक्टूबर को चुनाव प्रचार के लिए कुर्नी जाएंगे। उनकी 1-2 सभाएं और तय हो सकती है। जेडीयू सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पार्टी ने अपनी स्टार प्रचारकों की सूची चुनाव आयोग के पास भेज दी है। संभव है कि 1-2 दिन में के भीतर वह सूची चुनाव आयोग से वापस पार्टी को लौटेगी। इसके बाद स्टार प्रचारकों का चुनाव प्रचार कुढ़नी में आरंभ हो जाएगा। कुढ़नी उपचुनाव में कुल 21 प्रत्याशियों ने नामांकन किया है। 5 दिसंबर को कुढ़नी विधानसभा में होने वाले उपचुनाव के लिए 21 प्रत्याशियों के नामांकन किया है। प्रमुख प्रत्याशियों में भाजपा के केदार गुप्ता, जेडीयू के मनोज सिंह, बीआईपी के नीलाभ कुमार के अलावा एआईएमआईएम ने मुर्तुजा अंसारी को प्रत्याशी के तौर पर उतारा है। वहीं अन्य क्षेत्रीय दलों और निर्दलीय प्रत्याशी भी मैदान में हैं। शुक्रवार को पर्चों की स्क्रूटनी होगी। इस दौरान नामांकन पत्र भरने में गलती करने वाले प्रत्याशी चुनाव लड़ने से वंचित हो सकते हैं। अब 21 तक चुनाव नहीं लड़ने वाले अभ्यर्थी अपना नाम वापस ले सकते हैं। 8 दिसंबर को मतों की गिनती होगी। आपको बताएं कि यह कुढ़नी विधानसभा सीट राजद के खाते में थी। जेडीयू ने इसे मांगा। आरजेडी के पूर्व विधायक अनिल सहनी यहां से विधायक थे। इनकी विधायकी जाने के बाद यह सीट जेडीयू के प्रत्याशी पूर्व से भी वहां वो विधायक रह चुके हैं और पूर्व बिहार सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं मनोज कुशवाहा, इस बार महागठबंधन से उम्मीदवार बनाए गए हैं। वहीं बीजेपी से केदार प्रसाद गुप्ता और मुकेश सहनी, वीआईपी के पार्टी से नीलाभ कुमार को प्रत्याशी बनाया गया। ये मुकाबला इस बार त्रिकोणीय दिखता जा रहा है, क्योंकि कुढ़नी में सवर्ण वोटरों की संख्या ज़्यादा है और मुकेश सहनी की पार्टी ने एक सवर्ण को मौका दिया है। इस बार देखना यह होगा कि मुकेश सहनी की पार्टी ने जिनको टिकट दिया है उनका क्या प्रदर्शन रहता है और मनोज सिंह कुशवाहा और केदार प्रसाद गुप्ता में कितनी टक्कर रहती है, बीजेपी जेडीयू में टक्कर कितनी रहती है। तो देखना यह होगा कि क्या सीएम नीतीश कुमार कुढ़नी विधानसभा सीट पे चुनाव प्रचार करने जाते हैं या मोकामा में जो जिस तरीके से उन्होंने चोट का हवाला देके मना कर दिया था, तो अब यहाँ ये देखते हैं कि ये कुढ़नी में जाएंगे या नहीं। तो ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।